आज बेलगाम ऑटो स्टैंड पे एक बहुत अच्छा नेक और बहुत अच्छा काम हो रहा है। सभी ऑटो ड्राइवर्स ओनर्स मिलके एक ब्लड बैंक कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा करके ऑटो ड्राइवर्स, फ्रूट वेंडर्स, जो भी बस स्टैंड के आसपास हैं, वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इनके साथ रहमानिया फाउंडेशन और बेलगाम ब्लड बैंक, ये सब मिलके एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे और सभी कोशिश करें कि हर तरफ ये चीज़ आए, लोगों में एक अवेयरनेस आए कि खून देना एक किसी की जान बच सकती है, और हम खून देने से कुछ कम नहीं होता है, एक दो दिन में वापस मेकअप हो जाता है। तो सब मिलके कोशिश करके हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम को पूरे सिटी तक लेके आए। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन का कि अच्छा काम किया, और हमेशा ये कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहते हैं समाज के लिए, और इनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम लोग सेंट्रल बस स्टैंड के ऑटो रिक्शा स्टैंड पे खड़े हैं, जहाँ पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और उनका एसोसिएशन मिलके यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के एक जज्बे को लेके नोमानी हॉस्पिटल आया था, जिसमें इमाम हुसैन भाई हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिलके आए थे। और इनके एक जज्बा ये था कि हम अपने तरफ से खून देना चाहते हैं, ताकि हमारी तो खिदमत चलती रही है, लेकिन एक खून के ज़रिए से, एक पैकेट हमारे खून के ज़रिए से भी इंशाल्लाह किसी इंसान की जान बच सकती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नोमानी हॉस्पिटल रहमान फाउंडेशन ने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, इन्होंने अपने तरफ से फ्रूट पैकेट्स बनाए हैं और लोगों को यहाँ पर अवेयर किया है। माशाल्लाह जुमा के ऐलानात के ज़रिए से, पैम्पलेट्स के ज़रिए से भी एक अवेयरनेस गया, ऑलमोस्ट 50 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इंशाल्लाह आना शुरू है। बस ये जो जज्बा है, ये बताता है कि इंसानियत ज़िंदा है, और लोग यहाँ के एक ऑटो ड्राइवर के लिए समझते हैं कि भाई एक मामूली इंसान नहीं है, ये बहुत बड़े एक खिदमत गुजार है, यानी 24/7 सर्विस देते हैं। रोज़ी तो लगी है, लेकिन साथ में रात में है, दिन में है, बारिश में है, सर्दी में है, अपनी खिदमत दे रहे हैं। और ये जो खून देने के लिए लोग खुद सामने आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक मैसेज ये है कि इस तरह से हर जगह पे अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह किसी मरीज़ है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई गांव देहात से आ रहे हैं ब्लड के लिए, इंशाल्लाह बेलगाम सिटी में परेशान नहीं होंगे। और एक मैसेज ये है कि इंशाल्लाह ये इस कैंप के ज़रिए से उम्मीद है कि एक मोहब्बत, भाईचारा और एक अमन का माहौल इंशाल्लाह बेलगाम में पैदा होगा। और एक हमारा मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप बच्चों का भी नोमानी हॉस्पिटल में चल रहा है, ज़ेर निगरानी डॉक्टर इमाद राजगोली के, वो भी आज चल रहा है, और ये भी माशाल्लाह ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। बस आप लोगों से दुआ करते रहे कि ये अपने ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी आफियत वाली और हलाल और इज़्ज़त वाली रोज़ी दे, और इसी तरह इनका जज्बा भी इंसानियत की खिदमत, और रहमान फाउंडेशन नोमानी हॉस्पिटल भी एक अज़म और कोशिश कर रहा है कि हर लाइन से इंसानियत की खिदमत की जाए। जज़ाकल्लाह रहमतुल्लाह बरकातहू। आज सेंट्रल बस स्टैंड ऑटो स्टैंड ड्रावर्स की तरफ से ब्लड डोनेट कैंप रखा गया है। तकरीबन यहाँ पर 50 लोग ब्लड डोनेट किए हैं, काम चालू है, इंशाल्लाह इससे भी आगे करने की हम कोशिश करेंगे। हम सब भाई लोग मिलके, ऑटो ड्रावर्स के भाई लोग मिलके काम को अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ये सेंट्रल बस स्टैंड ऑटो ड्राइवर का स्टैंड पर जो है खून का डोनेट का काम चालू है। ये सब हम ऑटो ड्राइवर मिल करके खून देने का काम कर रहे हैं, इसके आगे भी इंशाल्लाह ये काम हम करने की कोशिश करेंगे। ये मदद करने के अंदर जो भी हमारे हाथ से बन सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो प्रोग्राम करे थे, थोड़े का नियत करे थे, लेकिन हाँ 50 हुए, उससे ज़्यादा भी उम्मीद है, इंशाल्लाह 100 तक भी हो सकते हैं इंशाल्लाह।